Hi friends and welcome back to bankexamstudy.com. RBI Grade B का notification आ चुका है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे RBI Grade B exam की तैयारी करें, इसके notification के बारे में बात करें, exam के pattern के बारे में बात करेंगे, syllabus के बारे में बात करेंगे और कौन से आपको study material और books follow करनी है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो job profile है वो कैसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें बैंक एज अ बैंक पीओ ज्वाइन करना चाहिए, एसएससी में जाना चाहिए, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक दो जगह हो जाता है। तो मैं सबको रेकमेंड करता हूं, जो आरबीआई है, आरबीआई का ग्रेड बी लेवल का जो लेवल है, बैंक पीओ से बहुत बेटर है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इस एग्ज़ाम को एसबीआई पीओ से, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एसबीआई पीओ में, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 2200 हैं इसमें, तकरीबन 145-150 होती हैं हर बार, तो कंपटीशन जो है आरबीआई ग्रेड बी में ज़्यादा ही है। ऑब्वियसली एग्ज़ाम का लेवल मैं अभी बताऊंगा, पैटर्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे लेवल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, सब कुछ छोड़िए, और अभी मेरे हाथों में ये पूरा इसका पुलिंदा है, पूरा नोटिफिकेशन है, जिसको देख इसका भी मैं लिंक जो है इसकी पीडीएफ का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले जो बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन में ये है आपके ग्रेजुएशन में, ग्रैड में 60% मार्क्स हों, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% है, लेकिन ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स चाहिए, 55 जो है वो रिजर्व वालों को चाहिए। जिन लोगों की जो डिग्रियां हैं उसमें सीजीपीए दिया हुआ है, जैसे मैंने पीएयू से किया है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से मैंने एमबीए और किया है ग्रेजुएशन एक्चुअली पीयू से करा है, तो वहां पे पीएयू में सीजीपीए देते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक अगर तो जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर तरीके से बताती है कि आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, सीजीपीए से परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो वो यूज़ होगा, अगर वो नहीं दिया हुआ तो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एक मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है, तो वो अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा कम कर देता है। अगर आपके 6.75 जो CGPA है आउट ऑफ 10, तो उसको वो 60% बना देता है, तो ऐसा कुछ है, थोड़ा कम कर देते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये जो 60% और 55% और जनरल और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए थे, ये खाली ग्रेजुएशन में नहीं है, ये आपको 10th और प्लस 2 में भी इतने मार्क्स आपने लिए हों, मतलब ये नहीं है कि आपके 10th में थे जी 40% या 50% मार्क जनरल वालों के लिए और प्लस 2 में थे कम थे 55 थे और ग्रेजुएशन में 60 ले लिए तो आप एलिजिबल है, नहीं, 10th प्लस 2 और ग्रेजुएशन सब में ये जनरल वालों के लिए 60 और रिजर्व वालों के लिए 50, दैट इज नॉट 55, दिस इज 50% मार्क्स जो है रिजर्व वालों को जरूरी हैं। एज क्राइटेरिया थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेट कर दिया है आरबीआई वालों ने, एज का क्राइटेरिया 21 to 30 years जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व वालों के लिए 21 to 30 years, और जिन लोगों जो लोग पीएचडी और एमफिल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, एमफिल वालों के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, 32 साल का, और पीएचडी वालों के लिए 4 साल का है, वो उनका 4 साल का 34 years, और अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हैं, एज अ ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप प्रूव कर पाते हैं कि यार मैंने सच में किया है तो उसको रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी जो आरबीआई के ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका अलग सिस्टम है। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 6 हैं, अगर आप पहले 2-3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 अटेम्प्ट्स हैं, एसबीआई में कम होती हैं लेकिन इसमें 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एलिजिबिलिटी का तो यही है, मार्क्स का हो गया और एज का हो गया, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 3 फेज है इसमें, 3 फेज पैटर्न है, पहला तो फेज 1 में हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है,
2 आवर का एग्जाम है 200 मार्क का, दूसरे में हो जाता है कि 3 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स होता है, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज होता है, और तीसरा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 साल पहले इसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी होता था, लेकिन वो अभी काट दिया गया है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को जो है वो निकाल दिया गया है। अगर फेज़ 1 क्लियर करेंगे तो फेज़ 2 में का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, अगर फेज़ 2 क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स हैं। तो चलिए बात करते हैं फेज़ 1 के सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, रीजनिंग 60। तो देखा जाए जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा बैंकिंग होता है, बैंकिंग में आरबीआई के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 80 क्वेश्चंस में अगर आप जोर लगाएं तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है रेकमेंड भी ऑलरेडी, नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। मेरे ये वीडियो अगर आपने देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर पढ़ें नोटिफिकेशन। इन्होंने पर्टिकुलर बुक्स जो हैं वो रेकमेंड करी हुई हैं, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह की बुक्स पढ़ने से बेटर है कि आप इनका जो स्टडी मटीरियल इन्होंने रेकमेंड करा हुआ है वो पढ़ें। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वही होगा, इसमें करंट अफेयर्स आएंगे, इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स आएंगे, बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा, वही स्टैटिक जीके भी थोड़ा बहुत होगा, स्टैटिक जीके थोड़ा कम होगा, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में बहुत काफ़ी पूछा जाता है, यस इकोनॉमिक्स, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, जो यूनियन बजट है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब में थोड़ा सा IBPS और SBI से थोड़ा सा जीके थोड़ा सा हटके है, SSC का जैसा तो नहीं होता, थोड़ा सा आप कह लीजिए कि IBPS की GK में आप थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी टफ लेवल की थोड़ी और एडअप कर दें, IBPS की GK में थोड़ा सा बैंकिंग थोड़ा और डाल दें तो वो RBI ग्रेड बी का GK हो जाता है। 80 मार्क देने हैं उन्होंने तो सोच समझ के देंगे। इंग्लिश जो है वो सेम होता है, सेम RC एरर करेक्शन पैरा जंबल्स जो आप करते आ रहे हैं SBI PO में, IBPS PO में, वो सेम आपको इंग्लिश दिखेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, और बाकी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, सीरीज होगा। तो ऐसे करके 30 मार्क्स जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएंगे। रीजनिंग में 60 मार्क है, वही 2 से 3 सेट आपको एक सेटिंग अरेंजमेंट के मिल जाएंगे, पजल्स मिल जाएगी, फिर डायरेक्ट फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, इनइक्वालिटीज आ गया, मशीन इनपुट आउटपुट आ गया, या साइलॉग आ गए, या मिरर इमेजेस वाले तो नहीं आते बेशक, तो ये क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में दिखेंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे में करने हैं आपको 200 क्वेश्चंस। तो मैं रिकमेंड सबसे पहले यही करूंगा, अगर आप स्टार्ट करें तो जीके पे पूरा ध्यान दें, इसी वजह से इन्होंने अपना 40% जो वेटेज है एग्जाम का जीए को दे दिया है, ताकि ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इनके पास आए, जो लोग क्लियर करें, उनका सिर्फ मैथ्स अच्छा ना हो, उनका जीए अच्छा हो, उनका जनरल अवेयरनेस अच्छा हो। 80 मार्क अगर आपका जीए अच्छा नहीं है तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता। IBPS वगैरह में चांस होता है, क्योंकि प्री में तो जीके वगैरह होता ही नहीं है, और मेंस में होता भी है तो बहुत वेटेज उसका इतना नहीं होता, आई थिंक 20 मार्क का होता है तो इतना वेटेज नहीं होता, इंटरव्यू भी इतना जीए पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आरबीआई में ये है, आपको अपना जीके और जनरल अवेयरनेस, स्पेशली आपको बैंकिंग और इकोनॉमिक्स का जो आपका अवेयरनेस है वो सॉलिड करना पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि फेज़ 1 से वो इनका जो फोकस है फेज़ 1 से ये है कि जनरल अवेयरनेस जिसका अच्छा है वो आए। फेज़ 1 में भी यही है, फेज़ 2 में अगर आप देख लें उसमें भी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, वो भी सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक्स मतलब बैंकिंग का ज़्यादा है कि उन्होंने उठा लिया दोबारा से, और फेज़ 3 की जो इंटरव्यू होती है उसमें भी बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं, पहले फेज़ में तो ये हो गया, 2 घंटे का है, 200 मार्क्स हैं। दूसरे फेज़ की बात करते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश का पहली बात तो ये है कि राइटिंग एक स्किल का एग्ज़ाम है, दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। इसमें क्या है कि वही प्रेसिस पूछी जाती हैं, डिपेंड करता है, इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ कि हम प्रेसिस पूछेंगे या लेटर राइटिंग पूछेंगे या RC होगी या वो होगा, कुछ भी आ जाता है, मतलब ये पता है कि एक प्रेसिस आने के चांस रहते हैं, लेटर राइटिंग आती जाती है, ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग आ जाता है, एक पैराग्राफ राइटिंग, दोनों अलग अलग आते हैं, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, ये 3 चीज़ें, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और ये क्या कहते हैं ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ और ऐसे अलग अलग आते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, पैराग्राफ थोड़ा छोटा होता है, वर्ड का लिमिट दिया होता है। उसके बाद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है कि क्वेश्चन जो नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, आपको आंसर देने पड़ते हैं। उसके बाद अब पकड़ लीजिए प्रेसिस, प्रेसिस कई बार आती है कई बार प्रेसिस नहीं आती है। तो ये बेसिक इंग्लिश का राइटिंग स्किल का टेस्ट है, इसका मैंने एक ईबुक बनाया हुआ है और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की। इसके अलग अलग पेपर होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसके जो पेपर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। डेढ़ डेढ़ घंटे का पेपर है, इंग्लिश का ऑनलाइन पेपर जो राइटिंग स्किल्स का है डेढ़ घंटे का पेपर है 100 मार्क का, और उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का डेढ़ घंटे का पेपर है 100 मार्क का, और उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर है ये भी डेढ़ घंटे का 100 मार्क का। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे नाम बताता है कि इसमें सबसे पहले ग्रोथ दिया हुआ है। वैसे पूरा इन्होंने सबसे अच्छी बात इनके नोटिफिकेशन की ये आरबीआई की, इन्होंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है। नहीं तो इसमें IBPS SBI SEBI वगैरह के एग्जाम होते हैं इंश्योरेंस में, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है मुझे पढ़ना क्या। इन्होंने एग्जैक्टली दिया हुआ है कि आपको ये पर्टिकुलर बुक्स हैं, ये न्यूज़पेपर है, ये मैगजीन है, ये आपको पढ़नी है और इसमें से हम एग्जाम डालेंगे। बहुत क्लियर कट इन्होंने दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे, नेशनल इनकम। अगर आपके पास कोई इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल की, मेरे पास मैंने बीकॉम किया है सेकंड ईयर में, मेरे पास इंडियन इकोनॉमी का बुक था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक था। तो नेशनल इनकम पहला चैप्टर होता है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, मॉनिटरी फिस्कल। तो इसमें बेसिकली ये है, एक बेसिक इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी चाहिए आपको। TR Jain मेरे पास होती थी लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। इन्होंने जो RBI ने इंडियन इकोनॉमिक्स बाय उमा कपिला की एक सीरीज, बहुत ये बड़ी बुक है लेकिन ये पढ़ी नहीं जाएगी आपसे। तो एक बेसिक अगर मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ तो TR Jain भी अच्छी बुक है वैसे, बाकी आप उमा कपिला की बुक है, बहुत बड़ी बुक है, लेकिन ये मिश्रा पुरी की बुक है, ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अच्छी बुक है। इकोनॉमिक्स की बुक आपको एक पढ़नी पड़ेगी अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन यही होगा कि एक इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक पढ़ें, कोई भी अच्छी बुक पढ़ें। इन्होंने खुद से बताई हुई है कि मिश्रा पुरी की बुक पढ़नी चाहिए तो आप वो ही पढ़ें। ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, पूरा इन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सारा एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, सेकंड ईयर में होता है इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो रेकमेंड मैं ये करूँगा कि अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, अगर आपको लगता है कि सेम है सिलेबस आपने पहले पढ़ा, तो आप जो बुक आपने तब पढ़ी थी वो बुक को आप रिपीट कर लें, वही बुक पढ़ें, नई बुक मत फॉलो करें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और साथ में न्यूज़पेपर जो है इकोनॉमिक टाइम्स या हिंदू, द बिजनेस स्टैंडर्ड, इन तीनों में से एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लें। ये मेरे रिकमेंडेड नहीं है, मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस करता हूँ रिकमेंड, लेकिन ये नोटिफिकेशन में RBI ने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें इन्होंने बोला है कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, द और बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लें। मैगजीन्स इन्होंने दी हुई हैं, RBI का बुलेटिन आते हैं, बिजनेस इंडिया आता है, सदर्न इकोनॉमिस्ट आता है, योजना आता है। तो ये तो मैगजीन्स, तो ऑनलाइन बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं आजकल। 2015-14 की बात करें तब इतनी वेबसाइट्स होती नहीं थी, 2017 चल रहा है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो बहुत अच्छे कैप्सूल्स निकालती हैं, बहुत अच्छे आप कह लीजिए डाइजेस्ट निकालती हैं। वो डाइजेस्ट को डाउनलोड कीजिए, बैंकिंग के मंथली डाइजेस्ट आते हैं, बैंकिंग के और GK के आते हैं, सबको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। रिपोर्ट्स जो हैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा इंडिया का, हर जो इस साल का है, और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लिंक मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। पहली तो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे। ये मैगजीन जो हैं इनमें से आप कुछ भी एक चूज करके पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी चाहिए। बुक मैंने एक रिकमेंड करी है, सोशियोलॉजी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में पूरी पढ़ी जाएगी। और अब बात करते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, मेरा पर्सनल फेवरेट। जब 2014-15 की बात कर रहा हूँ तब तीन पेपर हुआ करते थे, स्टैटिस्टिक्स होता था, इकोनॉमिक्स होता था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता था। मैंने MBA फाइनेंस खुद करा हुआ है तो मुझे इसी सब्जेक्ट के बारे में पता था, लोग इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूछते थे तो मैं बता नहीं पाता था क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है, वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स मेरा माइनर था लेकिन मुझे इतना नहीं आता। तो फाइनेंस का सिलेबस बहुत एक स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले फाइनेंस अलग है और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट का तो बहुत सिंपल है कि आपको एक बेसिक बुक पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
प्लस वन अगर आपने कॉमर्स करी है, प्लस टू कॉमर्स करी है, अगर ग्रेजुएशन बी कॉम करा है, तो जो बेसिक बुक आता है मैनेजमेंट का वो पढ़ लेंगे, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया हुआ है. तो क्वेश्चंस ऑन दिस सेक्शन विल बी बेसिक इन नेचर. खुद दिया हुआ है कि यार हम बेसिक बेसिक पूछेंगे. अगर बेसिक ही पूछ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का या प्लस वन का एक प्लस टू का वो पढ़ लें, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बेसिक बुक पढ़ लें कि प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, नेचर क्या है, बेसिक बेसिक जो होता है वो सारा पढ़ लें. लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की थ्योरीज होती हैं, टास्क होते हैं, और बेसिकली तो ये थ्योरीज पूछते हैं कि यार ये थ्योरी किसने दी थी, ये चार्ल्स डार्विन, ये वो सब की ये थ्योरी किसने दी थी, ये करियर प्लानिंग क्या होता है, ये सारा बेसिकली, और कुछ एक मॉडल्स होते हैं, तो वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे. एक पहली बुक मैं रेकमेंड करूँगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक बहुत अच्छी है, और उसके बाद HRD के लिए अलग से बुक खरीदना इज़ नॉट अ गुड आइडिया मैं कहूँगा. वैसे मेरे हिसाब से मैं एक मेरे पास बुक पढ़ी है, मैं नाम थोड़ा सा भूल गया, डिस्क्रिप्शन में आपको नाम दे दूंगा. मैनेजमेंट की एक ही बुक पढ़े, 300-400 पेज की जो बुक है वो बस, या तो अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कोई बुक फर्स्ट ईयर की है, उसमें ये सारा सिलेबस कवर होता है, प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल, ओरल वर्सेस, ये सारे का सारा सिलेबस जो है ये बी कॉम फर्स्ट ईयर की, या प्लस टू की तो थोड़ी बेसिक रह जाती है, बी कॉम फर्स्ट ईयर की अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक है ऑलरेडी तो उसको पढ़ लें. ये सारा सिलेबस कवर होता है, और ये वैसे भी बेसिक पूछने वाले हैं तो उसी में से आएगा. बी कॉम फर्स्ट ईयर की कोई भी पढ़ ले, बस उसमें नहीं होगा तो 2-3 चैप्टर नहीं होंगे बस, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं होता उसमें, ये 2-3 चैप्टर के लिए एक नई बुक पढ़ना इज़ नॉट अ राइट आइडिया, गुड आइडिया. तो इसके लिए आप कोई भी बुक मार्केट से नहीं, किसी फ्रेंड से या किसी लाइब्रेरी से जाके वो बुक का फोटो स्टेट या कुछ एक ऐसे 20-25 पेज जो हैं, एक चैप्टर नहीं है बस, या मैं ही आपको दे दूंगा, तो मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी है. फाइनेंस पे आते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी एक बुक आती है वैसे, इसमें बेसिक क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम है, रेगुलेटर्स कौन से हैं बैंक्स के, वही है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन से हैं, RBI है, SEBI है, जो भी अलग अलग रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है, पावर्स क्या हैं, अथॉरिटीज़ क्या हैं, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है. उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, इसमें बेसिक नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ. फाइनेंशियल मार्केट में आपको डीप घुस के पढ़ना है कि फॉरेक्स कैसे क्या होता है, मनी, बॉन्ड जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इक्विटी कैसे काम करती है, शॉर्ट के शेयर्स को शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट पुट क्या होता है, ये सभी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे, इवन अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको आप पकड़े जाएंगे. इंटरव्यू में सबसे जो फ्रीक्वेंटली जो है मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पूछा जाता है, आपके जाते सार ही आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो आपको भगा दिया जाएगा. तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें. उसके बाद जनरल टॉपिक्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सभी जो हैं इसके लिए एक बुक इन्होंने खुद रिकमेंड करके रखी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा. यस, मैं यही बुक रिकमेंड करने वाला था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा, बहुत अच्छी बुक है, ये सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा एक बुक आप ये ले लीजिए. अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो मिश्रा एंड पूरी की बुक बहुत अच्छी आती है, ये ले लीजिए. ये दो बुक्स में, एक तो ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने पढ़ना पड़ना है, और जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ना है, और इंग्लिश के लिए आपने जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए तैयारी करनी है. क्योंकि ये SBI PO और IBPS PO की तरह ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम थोड़ा सा हटके है, इसमें जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये आपसे कुछ एक बुक्स पढ़ाते हैं. SBI में IBPS में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है, इसमें आपसे थोड़ी सी बुक्स पढ़वाई जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ फाइनेंस की बुक्स पढ़वा रहे हैं और कुछ इकोनॉमिक्स की. अगर ये दो बुक्स आप नहीं पढ़ के जाएंगे, इकोनॉमिक्स की आप अलग से कोई बुक परचेज नहीं करते हैं, फाइनेंस की बुक आप परचेज न करके नहीं पढ़ते हैं, तो आप पास नहीं होंगे, ये क्लियर है. ये दो बुक्स अगर आप नहीं परचेज करके पढ़ते हैं तो आप पास नहीं होंगे. अगर आप रिपोर्ट्स दो मैंने जो आपसे पहले बताई थी, जो दो रिपोर्ट्स थी, एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो चीज़ें आप नहीं पढ़ के जाते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये मत समझ के जाइए कि SBI का एग्ज़ाम है, मुझे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मेरा सॉलिड हो गया और अभी RBI का आ गया, चलो फॉर्म भर दिया और मुँह उठा के पेपर देने चले गए, ऐसे नहीं होगा. क्लियर, बहुत अच्छा प्रोफाइल है बैंक SBI में. कुछ लोग PO लगे हुए हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो इसका एग्ज़ाम देते हैं RBI Grade B का, वो कम्पीट करते हैं.
इंस्टेड कि वो अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है वो ये एग्ज़ाम देते हैं। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपको बहुत अच्छे लेवल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं कुछ ऐसे नुक्ताचीनी नहीं करूँगा कि जो नॉर्मल असिस्टेंट मैनेजर वगैरह बैंक्स में होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनका जॉब अच्छा नहीं होता ये वो, बट इसमें पर्क्स बहुत अच्छी हैं, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा आपको फाइनेंस की, मैंने अभी प्रसन्ना चंद्रा की बुक बोली है ये आप ज़रूर ले लें, मैं अपना कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हुए हैं, पूरा एक अच्छा मैंने पुलिंदा बनाया हुआ है, जो प्री का और मेंस का भी मैंने, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का भी मैंने बनाया हुआ है। फाइनेंस का मैंने बुक नहीं बनाया, वो मैं मानता हूँ कि फाइनेंस का नहीं बनाया, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ का मैंने बुक बनाया हुआ है, नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं आपको बोलूँगा प्रसन्ना चंद्रा पढ़ लें, और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक बेसिक सी बुक पढ़ लें, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी आपको अच्छी बुक मिलती है वो आप उठा के पढ़ लें। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, पहली प्रसन्ना चंद्रा की बुक ले लें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, दूसरी कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कोई बेसिक बुक ले लें, और जीके के लिए आपको न्यूज़पेपर सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये बैंकिंग के बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना, रिसर्च करके। सबसे अच्छा जो रिसोर्स है बैंकिंग के बारे में पढ़ने के लिए, बैंक एग्जाम्स टुडे चाहे मैं चलाता हूँ, लेकिन आरबीआई की जो ऑफिशियल साइट है उसमें बहुत सारा रिसोर्स है, जितनी भी वेबसाइट्स बैंकिंग के बारे में लिखती हैं बहुत ज़्यादा ये आरबीआई से रेफ़र करती हैं, जितनी अच्छी बुक्स बनती हैं ये आरबीआई का मटेरियल जो है, आरबीआई का जो पूरा दिया हुआ है वेबसाइट में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत पीडीएफ है, बहुत नॉलेज है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में, बहुत नॉलेज दी हुई है, वहाँ से बहुत लोग रेफ़र करते हैं, बहुत सारी बुक्स जो हैं वहीं से रेफ़र होकर बनती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो प्रसन्ना चंद्रा देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के मेरे नोट्स, उसका मैं लिंक डालूंगा वो डाउनलोड करें। उसके बाद न्यूज़पेपर तो आप पढ़ेंगे, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह ये तो आप पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव का मेरा ई बुक है वो मैं उसका लिंक देने वाला हूँ। उसके बाद क्वांट रीजनिंग और बाकी का जो इंग्लिश था वो तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं एसबीआई पीयू के लिए, जो पढ़ रहे हैं एसबीआई पीयू वाला मटेरियल ही पढ़ लें प्रीलिम्स के लिए, लेकिन जीके थोड़ा सा डिटेल में जाएं, जीके पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दें, क्योंकि अगर आपका जीके अच्छा है क्वांट रीजनिंग उसमें आप एवरेज भी हैं फिर भी 80 मार्क मिलेंगे आपको फेज़ वन में, और फेज़ टू में तो क्वांट रीजनिंग वगैरह तो है ही नहीं। तो इन शॉर्ट अगर आपका क्वांट रीजनिंग इतना सॉलिड नहीं है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है जीके अच्छा है तो आप ये एग्ज़ाम कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जिनका क्वांट वगैरह अच्छा होता है, जो यूपी बिहार वाली बेल्ट में आते हैं, जिनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता है वो इसमें रह जाते हैं, बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा है जीके अच्छा है इकोनॉमिक्स वगैरह आपका सॉलिड है तो गो फॉर इट। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आया है कॉमेंट में डालिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आपके माइंड में प्रॉब्लम है वो कॉमेंट में डालिए। हैव अ नाइस डे।